हाय बच्चों, आज का डिफरेंस है डिजायरस और डिजायरेबल के बीच। हो सकता है आपको मतलब पहले से पता हो, बट ऐसा भी हो सकता है जो मतलब आपको पता है वो एकदम क्लियर ना पता हो। उसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो होगी, ठीक है, कि भाई ये डिजायरेबल हम कब यूज करें और ये डिजायरस हम कब यूज करें और किसे मतलब किन सेंटेंसेस में इनका मीनिंग आकर चेंज हो जाता है। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी, कोई टेक्निकल भाषा में मैं आपको नहीं समझाने वाली। तो देखो, सबसे सिंपल बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के साथ और डिटेल में बताऊंगी। पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखो। सपोज करो ये हो आप, दिस इज यू, ठीक है, और आप गए हो शॉपिंग करने, यू वेंट फॉर शॉपिंग। अब शॉपिंग करने गए हो मॉल में, आपको कोई एक पसंद आ गया गेम, ठीक है, सपोज कर लो ये कोई गेम है, ठीक है। छोटे बच्चे जाते हैं ना, जब भी उन्हें कोई नया गेम दिखता है तो वो जिद पकड़ लेते हैं कि ये तो मैं लेके ही जाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज अ गेम, बाहर से शोर आ रहा है, प्लीज अवॉइड करिएगा। अब वो गेम देखते ही आपने जिद पकड़ ली कि आपको तो ये गेम लेके ही जाना है, ठीक है। आई वॉन्ट दिस गेम एट एनी कॉस्ट, गेम आपको खरीदना ही है, चाहे मम्मी के पास पैसे हो या ना हो, पर आपको लेके ही जाना है। तो मम्मी ने क्या किया, जो वो बचा के पैसे लाई थी सेविंग, वो उन पैसों से आपको गेम दिला दिया, ठीक है, बात खत्म। अब एक चीज नोट करो, आपने इच्छा जाहिर की कि आपको वो गेम चाहिए, तो आप क्या हो गए, डिजायरस। क्या हो गए, डिजायरस। तो क्या मतलब निकला इसका, चाहने वाला, जिसको जो चीज चाहिए वो होता है डिजायरस, समझे। अब ये क्या है, गेम, आपने जिद की आपको गेम चाहिए था, तो ये गेम क्या हो गया, डिजायरेबल, ठीक है, गेम हो गया डिजायरेबल, यानी कि लुभावना। इस गेम ने आपको अट्रैक्ट किया, आपको लुभाया कि भाई मुझे खरीदो, मैं मेरे में ये फीचर है, मुझे खरीदो। अब गेम तो खुद नहीं बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है, दुकान वाला ही आपको समझाएगा, ठीक है। तो आपको ये गेम इतनी पसंद आई कि ये डिजायरेबल हो गया और आपका खरीदना इसे जरूरी हो गया। तो डिजायरेबल का क्या मतलब हो गया, लुभावना, ठीक है, आकर्षक, एडमायरेबल, सिनोनिम है इसका, क्या सिनोनिम है, एडमायरेबल, ऐसी चीज जिसे देखकर आप मोहित हो जाओ, आप अट्रैक्ट हो जाओ और आपके मन में ऐसी फीलिंग आ जाए कि आपको वो चाहिए, फिर चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, या कोई खेलने की चीज हो, खाने की चीज हो, पीने की चीज हो, ठीक है, ऐशो आराम की जिंदगी हो, आपको वो सब चाहिए, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, डिजायरेबल हो गई। और चाहिए किसको, आपको चाहिए, क्योंकि आपके मन में वो फीलिंग आ रही है वो पाने की, तो आप क्या हो गए, डिजायरस, ठीक है। काफी लोग बोलते हैं आई एम अ वेरी डिजायरस पर्सन, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मिटा रही हूँ, ठीक है। काफी लोग क्या बोलते हैं, आई एम वेरी डिजायरस पर्सन, यानी कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, डिजायरस, मेरी बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को मैं पाना चाहता हूँ, कंप्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो डिजायरस व्यक्ति वही होता है जिसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना हो, जिसे अमीर बनने की बहुत ख्वाहिश हो। एक और एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ इसका, ही इज डिजायरस ऑफ वेल्थ, ठीक है, वेल्थ का मतलब क्या होता है, धन, पैसा। सो ही इज डिजायरस ऑफ वेल्थ, उसे किस चीज की चाह है, पैसे की, धन की, उसे खूब सारा पैसा चाहिए, ठीक है। तो डिजायरस मतलब वही होता है, चाहने वाला। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, डिजायरेबल भी क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं डिजायरेबल का आपको एग्जांपल देती हूँ। बताइएगा जरूर कि आपको बोर्ड पे सब कुछ दिख कैसा रहा है, सब कुछ क्लियर शो हो रहा है या नहीं, क्योंकि नया बोर्ड लिया है मैंने, तो इसकी क्वालिटी आपको कैसी शो हो रही है पता होना चाहिए मुझे, ठीक है। एक शब्द बताइएगा कैसा दिख रहा है, क्लियर है या नहीं। अब डिजायरेबल का एग्जांपल लिख रही हूँ मैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने लिखा, इट इज डिजायरेबल दैट स्टूडेंट शुड टेक पार्ट इन स्कॉलरशिप कॉम्पिटिशन, यानी कि बच्चों से ये इच्छा है कि वो स्कॉलरशिप कॉम्पिटिशन में पार्ट ले, उनको स्कॉलरशिप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कि भाई अगर जीतेंगे तो स्कॉलरशिप के पैसे उन्हें तो मिलेंगे, यानी कि फायदा किसका हो रहा है, बच्चों का ही हो रहा है, ठीक है। सो इट इज डिजायरेबल, यानी कि बच्चों से ये इच्छा की जा रही है
क्यों? क्योंकि बच्चे उस योग्य है, बच्चे उस लायक है कि हाँ वो जीत सकते हैं। बच्चों में वो क्वालिटी है कि वो कंपटीशन में पार्ट लेके पैसा जीत सकते हैं। सो इट इज डिजायरेबल। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों की इच्छा नहीं है। अभी बच्चों ने तो कुछ कहा ही नहीं है, बच्चों ने कुछ कहा ही नहीं कि हमें पार्टिसिपेट करना है, नहीं कहा ना। सिर्फ एक बच्चों को एडवाइस दी जा रही है कि भाई तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, यू आर डिजायरेबल, तुम वो पाने के योग्य हो। ऑलराइट, अगर बच्चों ने खुद कहा होता ना अपने मुंह से कि हमें इसमें पार्ट लेना है, हमें इस कंपटीशन में पार्ट लेना है और जीतना है, अगर बच्चों ने कहा होता तो मैं क्या एग्जांपल लिखती, स्टूडेंट्स आर डिजायरस टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब चेंज हो गया, स्टूडेंट्स आर डिजायरस यानी कि बच्चों की खुद की चाह है कि वो पार्टिसिपेट ले कॉम्पिटिशन में। So students are desirous to participate in competition. ठीक है, यहाँ पे बच्चों ने खुद इच्छा जताई है कि हमें पार्ट लेना है, और यहाँ पे बच्चों ने इच्छा नहीं जताई। क्यों नहीं जताई? क्योंकि वो बच्चे उस लायक है कि वो ये हासिल कर सकते हैं, इसलिए बच्चों के मन में वो डिजायर, वो इच्छा पैदा की जा रही है कि भाई हाँ तुम इस योग्य हो, इसलिए जाओ पार्ट लो और जीत के आओ। ठीक है, सो इट इज डिजायरेबल दैट स्टूडेंट शुड टेक पार्ट। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से मैं एक और एग्जांपल लिख देती हूँ। वैसे क्लियर तो हो ही गया होगा, क्योंकि जो मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया था वो शॉपिंग वाला, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल था समझने के लिए। बट चलिए, हो सकता है अभी काफी बच्चों के दिमाग के स्क्रू ना खुले हो, तो इस एग्जांपल से बिल्कुल खुल जाएंगे। सपोज करो आपको एक कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है, अब आपको उससे शादी करनी है या उसको प्रपोज करना है, व्हाटएवर, तो इच्छा आपके मन में जगी है, लड़की के मन में तो अभी नहीं जगी। तो जब आपके मन में इच्छा जग चुकी है उस लड़की को पाने की, तो आप हो गए डिजायरस, ठीक है, और उस लड़की को देखकर इच्छा जगी है, तो वो लड़की क्या हो गई, डिजायरेबल। वेरी सिंपल, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा मीनिंग। तो कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और भी कोई वर्ड्स हैं जो आप जानना चाहते हो उनके डिफरेंस, तो उन वर्ड्स का नाम भी मेंशन कर दीजिएगा। और इस टाइप की वीडियोस मैं इसलिए लाती हूँ क्योंकि ऐसे ही वर्ड्स आपके कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, फिर आप गलती करके आ जाते हैं कि भाई स्पॉटिंग एरर गलत हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि आपको मीनिंग क्लियर नहीं था। ओके, तो ऐसी गलती ना हो इसलिए कंफ्यूजन क्लियर रहना चाहिए। और भी वर्ड्स की वीडियोस बना रखी है मैंने, तो डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा, सबके लिंक है वहां पर, टाइटल पे क्लिक करना है उसके लिए आपको। और ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की, स्पोकन इंग्लिश की और यूपीएससी की। ठीक है, अगर आपको डीपली स्टडी करना है तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिएगा, और उसके लिए आपको ईमेल आईडी पे मुझे ड्रॉप करना होगा ईमेल, तो सारी इन्फॉर्मेशन और फीस स्ट्रक्चर आपको भेज दिया जाएगा। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, कोई एक स्टोर है जो क्या बेच रहा है, बहुत तरह तरह के डिजायरेबल्स। अब ये डिजायरेबल्स कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट यानी कि बहुत सारे प्रोडक्टों का सिर्फ एक कॉमन वर्ड है डिजायरेबल। वही सेम शॉपिंग वाली कहानी आ गई, ठीक है, आप किसी स्टोर पे गए हो कुछ खरीदने, अब वहां पे आपको बहुत सारी चीजें पसंद आ रही है, जैसे आपको गेम भी लेना है, आपको कपड़े भी लेने हैं, आपको जूते भी लेने हैं, आपको सैंडल भी लेनी है, आपको मेकअप का सामान भी लेना है, यानी कि इतनी सारी चीजें पसंद आ गई कि आपको सब लेना है। ठीक है, तो वो सब चीजें क्या हो गई, आपकी इच्छा हो गई, यानी कि वो सब चीजें डिजायरेबल हो गई। ठीक है, तो डिजायरेबल आप नहीं हो, आप तो डिजायरस हो क्योंकि आपकी इच्छा है, लेकिन वो जो सामान है, जो सामान आप खरीदना चाहते हो, वो डिजायरेबल है। ठीक है, क्योंकि उसको आपने पसंद किया, उसकी खूबसूरती देख के, उसकी क्वालिटी देख के, ठीक है, तो वो सब चीजें हो गई डिजायरेबल। ठीक है, जैसे एक वर्ड होता है आपने सुना होगा, ईटेबल। ईटेबल मतलब, एबल का मतलब ही होता है योग्य, एबल का मतलब होता है योग्य। अब ईटेबल, ईट मतलब खाना, तो ईटेबल का मतलब क्या हो गया, खाने योग्य। ठीक है, जैसे आपको फल खाने हैं, आपको जंक फूड खाना है, आपको पालक पनीर खाना है, आपको सोया चाप खानी है, बहुत सारी चीजें खानी है आपको, तो वो सब चीजें क्या है, ईटेबल है, यानी कि खाने के योग्य है। इसी तरह वो सारा सामान क्या है, डिजायरेबल है, यानी कि वो ऐसा सामान है कि कोई भी व्यक्ति उनको एक नजर में देख के खरीद लेगा।